अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक हाउ कैन वी प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ आवर GUI, कस्टम GUI। लाइक फॉर एग्जांपल्स एग्जांपल लेती हूँ कि ये यूज़ कहाँ से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो किसी स्टोर पे, ठीक है, इवन दो वो थर्मल प्रिंटर से आपको एक रिसिप्ट निकाल के देते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं कुछ, तो बिलिंग स्लिप जो आपको मिलती है, वो जो रिसिप्ट होती है, वो एक बटन क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रिंट का साइड पे कहीं उनका एक ऑप्शन होता है, उसको जस्ट क्लिक करते हैं और उनके पास वो स्लिप आ जाती है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसी GUI डिज़ाइन करनी है, लाइक मैनेजमेंट सिस्टम कोई डिज़ाइन करना है फार्मेसी का, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट का या एनी थिंग, जिसकी बेसिक चीज़ें जो कि आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है वो एक स्लिप होती है, उसके लिए प्रिंट का जो ऑप्शन होता है वो हमेशा नेसेसरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप मैन्युअली उसको लिख कर देते हो, आपको उसको एक स्लिप देनी होती है, ठीक है। वो उसके ऊपर जो रिटर्न में आएगा वो सब क्या होगा उसकी तो हम बाद में जो लेटर ऑन जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम सीखेंगे किस तरह से आपने स्लिप के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन और या जो भी शॉपिंग हुई है वो सब किस तरह से आएगी, उसके ऊपर हमने नेक्स्ट वीडियोज़ में हमें सीखेंगे। लेकिन आज हम एक बेसिक चीज़ सीख रहे हैं जो उसमें हम यूज़ करेंगे, लाइक प्रिंट करना है आपने, कुछ भी प्रिंट करना है, तो आपका जो प्रिंटर है आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर GUI। एक तो तरीका ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट खोलते हो, खुद से प्रिंट करते हो, प्रिंटर सेलेक्ट करते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्रिंटर अटैच है, आपको पता भी है कि कौन सा अटैच है, तो उसके थ्रू जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप प्रिंट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक पुश बटन लिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर से पुश बटन मैंने एक लिया और उसको जो है उसका साइज 16 और बोल्ड कर दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा जूम किया। एक पुश बटन रिक्वायर्ड है, एक मैं ले लेती हूँ टेक्स्ट एडिट जिस पे मैं टेक्स्ट लिखूँ और वो टेक्स्ट मेरा प्रिंट मुझे उसका मिले। एक टेक्स्ट एडिट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगी एंड आई वांट सम प्रिंट, थोड़ा सा ये हमने टेक्स्ट एडिट ले लिया। अच्छा, अब टेक्स्ट एडिट का भी मैं साइज़ इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट है को 16 कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड नहीं कर रही, हम जस्ट बोल्ड कर देते हैं, लेट्स डू इट। तो होगा ये कि जो प्रिंट निकलेगा वो भी एक्चुअली इसी फॉन्ट का और इसी स्टाइल का होगा, सही है, सॉरी। अच्छा, अब एक और चीज़ की आपको पता चले कि हो करना क्या है यहाँ पर, उसके लिए हम एक लेबल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको मैं जूम करती हूँ और इसका हम नाम लिखते हैं राइट टेक्स्ट, ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ प्लस इसका साइज भी मैं बढ़ा देती हूँ 14 कर देती हूँ इसको, तो आपने टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर राइट करना, सही है। और उसके अलावा जो एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आपको किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन मिले, तो मैं एक टेक्स्ट ब्राउज़र ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा नैरो करते हैं और यहाँ से जो है वो आपको एक टेक्स्ट ब्राउज़र पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सही, दिस इज़, इसको अगर आप चाहें तो इसको आप बॉक्स में भी कर सकते हैं, यू कैन मेक अ बॉक्स ऑफ इट। यहाँ पर नीचे देखें, मैं बिल्कुल राइट साइड पर आप देखें तो मैं यहाँ पर फ्रेम ले रही हूँ, बॉक्स ले, सॉरी पैनल ली, इट शुड बी अ बॉक्स और प्लेन इट शुड बी रेज, ठीक है, और उसकी कुछ वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं, सही है, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ लाइक दैट, सो होपफुली समझ में आ गया आपको कि किस तरह से आपने लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दैट्स इट, ओके। ये हमारा बेसिक केक। अब होगा क्या, इसमें हमें करेंगे ये कि जो भी कुछ मैं यहाँ राइट करूँगी, ठीक है, पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी कि आप काइंडली राइट करें कुछ, ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट करना है कुछ और प्रिंट का बटन क्लिक करना है, तो होगा क्या कि प्रिंटर के थ्रू जो है वो मेरी जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रिटर्न किया होगा वो मेरे प्रिंटर के थ्रू वो प्रिंट उसके हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। एक चीज़ रहेगी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट नेम सेलेक्ट नहीं किया, इसको ऑब्जेक्ट नेम रख लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट नेम में रख रही हूँ प्रिंट ना, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका रख रही हूँ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट नेम, इसका ऑब्जेक्ट नेम है प्रिंट, प्रिंट इसको ऑब्जेक्ट नेम रख लेते हैं टेक्स्ट,
हॉस्पिटल में, ठीक है. दिस इज जस्ट डन. इसको सेव कर देते हैं जहाँ पे मैंने इसका कोड सेव किया हुआ है. कोड कहाँ पे सेव किया हुआ है? कोड ये प्रिंटर में सेव है, ठीक है. इसका मैं नाम दे रही हूँ, स्क्रीन टू व्यूअर्स नेम प्रिंटर, ठीक है. प्रिंटर मैंने इसका नाम दिया और सॉरी इसको सेव कर दिया, सही. उसके बाद क्या करना है, मैंने इसका नाम सेव कर दिया. अब मैं अपने कोड पे आती हूँ. कोड पे मैंने यहाँ पे इसको प्रिंटर, ठीक है, आई थिंक मैंने प्रिंटर ही दिया था. प्रिंटर डॉट यू आई जो है वो एक्सेस करनी है. लेट मी चेक कि वो किस नाम से सेव हुई हुई है. यस, प्रिंटर डॉट यू आई के नाम से ही है. उसको एक्सेस किया, देन मुझे जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट नेम्स देखने हैं. टेक्स्ट ही है, सही है. इसका कैपिटल पी, इसको मैंने छोटा पी दिया था, ठीक है. एंड यस, एवरीथिंग इज़ क्लियर. तो ये हो गया. अब इसको मैं रन करती हूँ. इट्स गोइंग टू रन इट. इसको सेव नहीं किया मैंने, आई थिंक सेव कर दिया मैंने. इसको दोबारा सेव कर लेते हैं और बस चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है नहीं. इसको रन करना है आपने, ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि मैंने कैमरा अटैच नहीं किया हुआ, तो मैं प्रिंटर से जो प्रिंट निकलेगा वो मैं फ़ौरन ही आपको दिखा दूँगी. आपको शायद वॉइस भी आ जाए जब प्रिंटर प्रोसेस कर रहा होगा. आप लोगों को लगेगा पता नहीं पहले से निकाल के रखा हुआ, जबकि ऐसा नहीं होगा. पहले से निकाल के रखा नहीं है मैंने. आपको आवाज़ आ जाएगी प्रिंटर के थ्रू. व्हाट्स दैट सेल्फ डॉट, ओके सॉरी, ये यहाँ पे इशू है. इसको थोड़ा सा इसका इंडेंट का मसला है. अच्छा, आप देखते हैं, लेट्स सी इफ इट्स वर्क. अब क्या एरर आ गया, इंपोर्ट दिस नो मॉड्यूल ऑफ दिस. सॉरी टू के मुझे लगता है ये मॉड्यूल्स मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे पहले और उसके बाद ही हो सकता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज इट और इंपोर्ट करने के बाद वी विल बैक. ओके, सो मैंने लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि बाद वक्त आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले से कर हमारे सामने एरर रिमूव नहीं किया. तो मैं बता देती हूँ कि प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक थी. एक तो मैंने ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से QT और GUI का एरर आया था. सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका एरर ये एरर आया था कि ये आपके मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं है. वो इसलिए था कि कोई इंटरप्रेटर इंस्टॉल प्रॉपर नहीं था. उसके लिए करना क्या होता है, आपको सेटिंग्स में जाना होता है. मैंने बहुत इनिशियल वीडियो में बताया था, ठीक है. अभी तो आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है ना, लेकिन पहले क्या था, पहले ये था, ठीक है, नो इंटरप्रेटर था. तो यानी कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ था. मैंने यहाँ से जाके प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर, पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर जाके आप प्रोजेक्ट्स में जाएँ, इसमें जाएँ, एंड देन आपने इंटरप्रेटर पर जाना है. एंड यहाँ जाके आपने सेलेक्ट करना होता है ये, ठीक है, दिस थिंग. तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं. सो ये काम होता है जो करना होता है. खैर, दैट्स इट. अच्छा, अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग. और मैं आपको अभी तो आपको प्रिंटर की आवाज़ आएगी जब प्रिंट हो रहा होगा, लेकिन आपको फिर मैं अलग सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से जो प्रिंटर से मैंने प्रिंट किया है वो आपके सामने, ठीक है. सो बस आपने करना है क्या, यू नीड टू कनेक्ट योर प्रिंटर. कोड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले उनको जस्ट करके दिखा दूँ कि किस तरह से वर्क करता है. इसको आप रन करें, ठीक है, रन इट. अच्छा, अब आपने क्या करना है, काइंडली राइट समथिंग दैट यू वांट टू प्रिंट, ठीक है. आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट यहाँ पर राइट करना है. यहाँ पर लिखते हैं कि राइट टेक्स्ट हेयर और एरो बना दें, कुछ कर दें, यू कैन डू इट. सो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है. मैं क्या लिखना चाहती हूँ, दिस इज़ आवर फर्स्ट, दिस इज समथिंग I want to print for the first time. और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम, बट वी कैन राइट. सो बस ठीक है, यही प्रिंट करते हैं. अच्छा, जब मैं प्रिंट का बटन क्लिक करूँगी, यू विल हेयर अ वॉइस ऑफ प्रिंटर, इट्स वर्किंग. कोड की तरफ हम आएंगे बाद में, लेकिन आपको ये फिर मैं वीडियो में अटैच करके दिखाती हूँ कि किस तरह से वो जो मैंने ये जो लाइन आपको ये नज़र आ रहा है, यही प्रिंटर के थ्रू आपको प्रिंट मिलेगा इसका. सो लेट्स डू इट. You can see a voice, hear a voice, no? So, ये प्रिंटर्स के थ्रू जो मैंने प्रिंट किया था वो मेरे सामने आ गया और I should show you. So, you can see this, ये मैंने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाला है
और यही मैंने लिखा था, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मेरे प्रिंटर के थ्रू निकल आया। ओके, अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमने प्रिंट निकालना है, अब आते हैं कोड में आपने क्या करना है। ये जो सॉरी एमएस मैंने यूज़ नहीं किया तो इट शुड नॉट बी देयर, मैंने शायद यूज़ कर लिया, ऐसा मैं कुछ पुरानी कॉपी पेस्ट करती हूँ तो उसकी वजह से होता है ऐसा। अच्छा, ये जो मेन लाइब्रेरीज हैं जो इस दफ़ा यूज़ हो रही हैं, दीज थ्री लाइब्रेरीज, ठीक है, जो कि बेसिक प्रिंटर के लिए यूज़ हो रही है। आपने जो कनेक्शन कर रहे हैं आप अपनी विंडोज़ के साथ उसका, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज थ्री लाइब्रेरीज आप देख सकते हैं, बाकी वही है पुरानी क्यूटी डिज़ाइनर के लिए, ठीक है, पाइथन के लिए, ठीक है, सिस्टम, बाकी सब वही हैं, बस ये तीन जो हैं जो हमने अभी फ़िलहाल ऐड किए हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी बाकी कोड की तरफ, ठीक है। जो मेन नीचे जो आपका मेन फंक्शन कॉल होगा, तहसीन कोड, ठीक है, व्हेनेवर इट विल कॉल होगा क्या, वो यहाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है, वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सब क्लासेस तो नीचे हैं, यहाँ डिफाइन हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले मैंने वो जो GUI थी प्रिंटर डॉट GUI उसको मैंने लोड किया, देन मैंने क्या किया कि आपको एक रिटर्न टेक्स्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, काइंडली राइट समथिंग दैट यू वॉन्ट टू प्रिंट, कुछ भी लिख जो आपने प्रिंट करना है वो लिखें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रही हूँ कि डॉक्यूमेंट किस तरह से अटैच है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना 4-5 पेजेस का, यू वॉन्ट टू लाइक प्रिंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो उसको कैसे करना है, उसको GUI में किस तरह से डालना है, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, दैट दिस इज एन इंस्ट्रक्शन ना, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप देखें सर्व डॉट प्रिंट डॉट क्लिक डॉट कनेक्ट, ये प्रिंट बेसिकली स्मॉल लेटर्स में क्या था, ये था ऑब्जेक्ट नेम था जो कि हमने बटन पुश बटन प्रिंटर कर लिया, सही है, और उसका एक फंक्शन है स्टार्ट प्रिंट, ठीक है, ये कॉल होगा वो नीचे आप डिफाइन हो रहा है। इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया कि आपने जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, उसके साथ आपने प्रिंटर कौन सा प्रिंटर लिया, गेट डिफॉल्ट प्रिंटर, यानी कि रोज़मर्रा जो भी प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हो वो कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अ नेम तो फिर उसकी भी एक टेक्निक होती है, प्रॉपरली आप नेम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी अगर आप कंट्रोल पैनल पर जाते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से आपको पता लग सकता है कि आपके प्रिंटर का नाम क्या है, ठीक है। सो डिवाइस में प्रिंटर में गए आप, एंड यू कैन सी के राइट नाउ HP लेजर जेट प्रोफेशनल M1132 दिस इज़ अ नेम, ठीक है, ये नेम मेंशन करेंगे तो ये इस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकलेगा, ये उस केस में हो सकता है, डिफॉल्ट यूज़ करें इट्स मच बेटर क्योंकि आपका कनेक्टेड होता है, यूज़ में होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिस्टम ऐसे GUI डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसके अगर मल्टीपल प्रिंटर्स अटैच हैं, एक प्रिंटर यहाँ है, एक थ्रू वाईफाई कहीं और अटैच है, एक कहीं और अटैच है, देन व्हाट यू विल डू, डिफॉल्ट नहीं करेंगे ना, यू शुड मेंशन इट्स नेम। तो यहाँ से ठीक है डिफॉल्ट प्रिंटर फ़िलहाल लिया से, और दिस इज़ माई जस्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट, तो जस्ट बताया जा रहा है कि एक टेस्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें राइट क्या करना है वो नीचे आप देखें, यहाँ पर जो भी जो चीज़ राइट करनी है वो ये है, सॉरी वो ये, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे ये आप साइजेस वगैरह दिया हुआ ये आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ जो भी आप मेंशन करेंगे, सॉरी मैं क्या कि यहाँ जो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट उससे आपके प्लेन टेक्स्ट से क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट किसका था, स्मॉल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम था, सेल्फ जहाँ से टेक्स्ट का था, ठीक है, वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने जो भी कुछ राइट किया होगा वो एक्सट्रैक्ट करके इसमें आ जाएगा, ठीक है, और देन वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ अगर मैं कुछ और लिखूँगी तो वो प्रिंट होगा, यानी कि डायरेक्टली भी मैं इस तरह से अपने दोनों मार्क्स के अंदर भी मैं कुछ भी लिखूंगी, फॉर एग्जांपल समथिंग, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मच बेटर कि आप अपनी मर्ज़ी से बाद में इसको लिखें, टेक्स्ट पैनल पे जब का टेक्स्ट एडिटर वहाँ पर कुछ लिखें वो प्रिंट हो, दिस इज़ वन टेक्निक। दूसरी टेक्निक ये कि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं उसका नेम मैंशन करना पड़ेगा, नेम नहीं एक्चुअली यू नीड टू गिव इट्स पाथ दोगे कहीं पर भी जहाँ पर भी है वो दोगे, या फिर जब हम अपनी आगे वाली इंशाल्लाह वीडियोस में हम GUI मैनेजमेंट सिस्टम्स देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट GUI मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, तो उसके अंदर जो रिसिप्ट प्रिंट होती है उसमें तो रिटर्न हर चीज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है,
जस्ट टेबल जो होता है जहाँ से आपके शॉपिंग आइटम्स बढ़ रहे होते हैं और टोटल वो चेंज हो रहा होता है, बाकी ऊपर की कुछ चीज़ें थैंक यू फॉर शॉपिंग एंड दीज थिंग्स आर जस्ट कॉन्स्टेंट ना, तो वो यहाँ पर आपको हर चीज़ मैंशन करनी होगी, वो उसके ऊपर हम करेंगे बात इंशाल्लाह। बट आज की वीडियो में नहीं, आज बिल्कुल बेसिक वीडियो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।